यशो माता जी, दोनों हाथ माँ के सामने, हृदय में यशो माता जी की छवि को नमन करेंगे। संपूर्ण चित बीचों बीच हृदय में माँ की छवि को अपने हृदय में स्थिर करते हुए परम पूजनीय यशो माता जी कृपा करके हम सभी के हृदय को अपने प्रेम के योग्य बनाइए। श्री माता जी, हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम सभी के हृदय में आइए। हृदय में माँ को देखते हुए, श्री माता जी को देखते हुए, श्री माता जी हमारे इस हृदय को और भी पवित्र बनाइए श्री माता जी, ताकि आप यहाँ आ सकें। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे, एक एक अंगुलियों पे, शमाते जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट नाभि पे, लेफ्ट नाभि पर शमाते जी से प्रार्थना। शमाते जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। बाएं नाभि पर पूरा चित्त स्थिर करते हुए शमाते जी, हमारे बाएं नाभि में श्री गृहलक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। मंत्र ओम त्वमेव साक्षात श्री गृहलक्ष्मी साक्षात श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माताजी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में अपना संपूर्ण चित्त आशीर्वादित कीजिए। बाएं नाभि पर ही अपने संपूर्ण चित्त को रखते हुए
क्लॉकवाइज घुमाएंगे चित्त को, शिव माता जी आप ही तो श्री गृह लक्ष्मी भी हैं, कृपा करके हमारे पाए नाभि में जागृत हो जाइए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त राइट हार्ट पे, फिर लेफ्ट विशुद्धि, लेफ्ट आज्ञा, सहस्त्रार, सहस्त्रार पर माँ से प्रार्थना, शमाते जी हम आपकी अमृत वाणी को सुन सके ऐसी कृपा कीजिए। ये हमारा शरीर है, ये हमारी भावनाएं हैं, ये हमारी बुद्धि है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा सर है, ये मेरा मेरा कहना जो है वो मैं कौन हूँ, वही सत्य। और दूसरा सत्य ऐसा है जो आज मैं यहाँ पीछे हुए सुंदरपुर और उनकी बहुत ही सुंदर शोभा देख रही हूँ, उसको देखकर एक प्रश्न जरूर उठना चाहिए कि ये फूल कैसे सहज में ही पृथ्वी से बन के आए, इनको किसने बनाया। हमारा हृदय जो अपने आप चलता है, इसे डॉक्टर लोग कहते हैं ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, स्वयं चालित। तो ये स्वयं कौन है? स्वयं हमने आज तक जाना नहीं, लेकिन इस स्वयं को चलाने वाली जो शक्ति है, जो चराचर रूप में निराकार स्वरूप ब्रह्म चैतन्य कहलाती है, वो शक्ति भी आज तक हमने जानी नहीं। उस शक्ति को भी जाना और उससे अपना योग घटित होना, यही सहज योग। सह माने आपके साथ और ज माने पैदा हुआ। आपके साथ पैदा हुआ ये अधिकार, अरे मनुष्य का ये अधिकार है कि वो इस सर्व तरफ फैली हुई ब्रह्म चैतन्य शक्ति को प्राप्त करे, उससे संबंधित हो, यही योग है, यही मनुष्य के जीवन के लक्ष्य है। जब तक ये घटित नहीं होगा आपको कोई समाधान नहीं मिल सकता, चाहे आप कभी कभी इंसान है वो सोचता है कि हमें अगर पैसा मिल जाए या कोई पॉलिटिकल पावर मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, कभी नहीं। सुख का निदान आपकी आत्मा है, वहीं से ये आनंद का सागर बहता है। अभी तक आपकी आत्मा एक साक्षी होकर के आपके सारे कार्यों को देखती, अभी तक आपके चित्त में अटेंशन में आत्मा का प्रकाश आया नहीं, इसीलिए हम अज्ञानी हैं, इसीलिए हम अंधे हैं। कबीरदास कहते हैं कैसे समझाऊं सब जग अंधा, ये मुश्किलें संतों को हुई, लेकिन आज वो दिन आ गया है जब हमें वो सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हो सके। एकदम सहज रहेगा, सहज में ही ये चीज घटित। कुंडलिनी के बारे में अनादि काल से लोगों ने मेहनत की, मैं जो करने जा रही हूँ या कह रही हूँ ये कोई नई बात नहीं,
बस इतना ही फर्क है कि आजकल के जमाने में ये चीज सामूहिकता से घटित होती है, लेकिन पहले नाथ पंथियों में कुलविनी का जागरण एक गुरु का एक ही चेला होता और ये बात किसी को बताई नहीं जाती। 12वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर जी ने अपने गुरु से इजाजत मांगी कि आप मुझे कृपया इसके बारे में लिखने तो दीजिए, लिखने में क्या है। तब उन्होंने ज्ञानेश्वरी में छठी अध्याय में छठवा अध्याय जो उसमें लिखा, लेकिन धर्म मार्तंडों को तो मालूम नहीं था कुंडलिनी क्या चीज है या इसे जागरण कैसे करना, तो उन्होंने कहा यह निषिद्ध है। फिर 16वीं शताब्दी में आप जानते हैं अपने यहाँ अनेक साधु संत हो गए, महाराष्ट्र में भी बहुत साधु संत हुए और गुरु नानक आदि इतने ही गुरु सच्चे गुरु हमारे भारतवर्ष में आए। अपनी भारत भूमि एक प्लावित भूमि, फिर खासकर कुरुक्षेत्र तो गीता का पहला शब्द है और ये बहुत ही मानी हुई जगह है जहाँ कृष्ण भी आए और जहाँ पर धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ। इसमें धर्म की जीत हो गई, लेकिन धीरे धीरे हर चीज अपने देश में भुलाई गई और भुलाते भुलाते हम लोग इतने दूर हट गए हैं कि अतीत में जो कुछ भी हमने पाया है वो एक अदृश्य होता है। ये विराजमान है यहाँ, आप जानते हैं कि यहाँ का परम चैतन्य इतना प्रबल, और जब इन्होंने कहा कुरुक्षेत्र में वहाँ प्रोग्राम है तो मुझे बहुत खुशी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस जमीन में बहुत चैतन्य की सृष्टि है। अभी तक आप लोग भी नहीं जानते कि अगर आप इस भारतवर्ष में पैदा हुए हैं तो ये महान पुण्यों की वजह, पूर्व जन्मों के अनेक पुण्यों की वजह से आप इस भारत भूमि में पैदा, और इसका आपको प्रत्यक्ष भी दिखाई देगा। सहज के बारे में आपको बताया गया है कि आपके अंदर कुंडलिनी नाम की शक्ति है और ये शक्ति जागृत होने से छह चक्रों को भेद करके प्रमरंद्र जो यहाँ पर है उसे भेद करके तालु से उसकी वो जो चारों तरफ फैली हुई ये चैतन्य सृष्टि है उससे उसको एकाकारिता आती, उसे योग करता। इसमें समझने की बात ये है कि इस पृथ्वी पर हम लोग ध्यान दें कि एक बीज को अगर ये पृथ्वी माता के उदर में हम डाल दें तो वो अपने आप सहज में ही पनप आता है। कैसे आता है? क्योंकि उस बीज में भी ये शक्ति है और उस पृथ्वी माता में भी ये शक्ति है कि वो उसे जागृत करे। रामदास स्वामी जो शिवाजी के गुरु थे उनसे किसी ने पूछा कि कुंडलिनी जागरण में कितना समय लगता है, उनका तत्क्षण माने उसी क्षण पर वो लेने वाला भी चाहिए और देने वाला भी। मैं भारतवर्ष में देखती हूँ कि हर जगह बहुत ज्यादा लोग धार्मिक हैं। हम लोग यहाँ बैठे बैठे जानते नहीं कि प्रदेश में इन लोगों की कितनी अंदरूनी हालत खराब, अंदर से ये लोग खोखले हुए चले जा रहे हैं। दुर्दशा इनकी है कि इस छोटे से भाषण में मैं सब बता नहीं सकती, लेकिन बेचारे इतने त्रस्त हैं क्योंकि इनके संस्कृति में ही कोई धर्म नहीं रहता, कोई परमात्मा का विचार नहीं रहता, कोई उनसे भय नहीं रहता, और जिसके मनमानी चाहे करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। स्व का तंत्र तो वो होता है, स्व माने अपनी आत्मा और उसका तंत्र जानना ही सहज होता है। जब तक आपने अपनी आत्मा का तंत्र नहीं जाना तब तक आप परतंत्र हैं। इसलिए ये बड़ी आनंद की बात है कि आज कुरुक्षेत्र में इतने लोग सहयोग के लिए पधारे। हमने सोचा था कि कभी न कभी
हरियाणा भी जाना होगा ही, और ऐसी घटना घटित हो गई, ये भी एक हमारे लिए भी परम भाग्य की बात है। क्योंकि जहाँ आपका चित्त बहुत अटका रहता है, जब तक आप उस चीज को समझ नहीं लेते, उसके साथ कुछ ठीक से इंतजाम नहीं कर देते, आपको लगता है कि अभी ये प्रदेश बचा हुआ है, ये प्रदेश जरूर देखना है, यहाँ जाना है। और आज यही बात बड़ी आनंद की है कि आज चीज घटित होगी। इसमें कोई बुद्धि चातुर्य नहीं, कोई विचार करने की जरूरत नहीं। कुंडलिनी आपकी अपनी माँ है, हरेक की अपनी माँ है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल, और वो सब आपके बारे में जानती है, आपके पूर्व जन्म के बारे में सब कुछ, आप कैसे हैं, क्या है, वो सब आपकी तकलीफें भी जानती है, आपकी गलतियां भी जानती है, और वो आतुर है कि आपको ये आपका पुनर्जन्म दे। इसमें मेरा लेना देना कुछ नहीं, मैं तो जैसे एक जला हुआ दीप दूसरे दीप को जला देता है, उसी प्रकार आप भी कर, जब आप जागरूक हो जाएंगे तो आप भी एक दूसरे को जला सकते हैं, और इसी तरह से ये सबको जागरूक करने का, प्रकाशित करने का कार्य आप भी कर सकते हैं। ये शक्ति आपके अंदर है, आपके अंदर अनेक शक्तियां हैं जिसके बारे में आपको मालूमात ही नहीं कि आप क्या क्या कर सकते। सबसे पहले तो कुंडलिनी के जागरण से आपकी शारीरिक स्थिति ठीक हो जाती है। ये बात सत्य है कि सहयोग से हर तरह की बीमारियां ठीक हुई, उसका कोई अंदाज ही नहीं लगा सकता और कोई कह ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि मानसिक बहुत लोगों को तकलीफ होती है, और मानसिक तकलीफों से लोग पागल भी हो जाते, वो भी सहयोग से ठीक हुई। तीसरे, जिसे साइकोसोमैटिक कहते हैं, जिसमें आपकी शारीरिक तथा आपकी मानसिक दोनों विकृति एक साथ हो जाती है, ऐसी भी बीमारियां सहयोग से ठीक, इसमें कोई शंका नहीं, ये ठीक हो जाती है और होना ही चाहिए। क्योंकि आप अगर सोचते हैं इस दुनिया में जितने भी प्रश्न हैं या जितने भी सुविधाएं हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, वो अधिकतर मनुष्य के वजह से, इस मनुष्य के अंदर जितनी तकलीफें हैं वो ये चक्रों की वजह से। अगर ये चक्र आपके स्वच्छ हो जाए और ठीक हो जाए तो आपके प्रश्न तो ठीक होना ही हुआ है। किंतु अगर आप इसमें जागरूक होकर के आपके अंदर सामूहिक चेतना आ जाए, माने आप दूसरों के चक्रों को भी महसूस कर लें, तो आप दुनिया के लोगों को भी ठीक कर सकते हैं यहाँ बैठे बैठे। एक बार आपको पता हो जाना चाहिए कि आप में क्या दोष है, उसे आप ठीक कर लें, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दूसरों में क्या दोष है वो भी आप ठीक कर सकते हैं। इस पर मोहम्मद साहब ने कहा हुआ है कि जब कियामा आएगा, मैंने जब आपके उद्धार का सुनाया, सब में लिखा, बाइबल में भी है, कुरान में भी है, कि ऐसे उद्धार का समय आने वाला है, रेजरेक्शन टाइम, और ग्रंथ साहब ने भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ऐसे कोई भी पुस्तक नहीं है जिसमें ये नहीं लिखा कि आपके उद्धार का समय आने वाला नहीं, एक समय आएगा जो आपके उद्धारक स्थिति को पहुंचा देगा, वो समय आज आया होगा, और इस समय में कहीं ये कार्य हो रहा है तो होना ही हुआ। हर एक चीज समय से होती है, कृष्ण का समय और था, संतों का समय और था, ईसा का समय और था, और आज का समय ये, इस समय आपका उद्धार होना आवश्यक है। तो मोहम्मद साहब ने साफ कहा है कि उद्धार का समय जब आएगा तब आपके हाथ बोलेंगे और आपके खिलाफ शहादत देंगे, माने आपकी उंगलियों पर आप जानेंगे किसके कौन से चक्र खराब हैं, आपके कौन से खराब हैं, दूसरों के कौन से। इतनी कमाल की बात उन्होंने बताई, और आप जानिए कि आपके कौन से दोष हैं, यानी आपके खिलाफ
शहादत को। कितनी बातें इन लोगों ने की है और उनको अब पूरा करने का समय आया। रही बात साइंस की, मैंने सोचा सुना है यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, साइंस के बारे में जानते हैं, तो साइंस के सिवाय साइंस में नैतिकता का कोई विचार ही नहीं, इमोरल है, नैतिकता का विचार नहीं। दूसरे साइंस इन चीजों से अपना संबंध रखता है, वो चीजें बहुत ही विनाशक और कहना चाहिए कि बहुत ही उथली है। जैसे कि आपके लिए साइंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो क्या, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तब भी लोग रहते, ये कोई अंतिम चीज तो नहीं। उल्टे जब से साइंस आया है तब से लोगों में बहुत ही अशांति आ गई, बहुत ज्यादा अशांति आ गई, और वो अशांति इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब जहाँ बहुत साइंस बढ़ गया है वो तो एकदम सर्वनाश के कगार पे खड़े। तो कुछ न कुछ हम लोगों ने गलती ये की कि एक चीज को पकड़ लिया और उसे पीछे भाग। अब साइंस के जैसा अगर आप अपना विचार रखें तो अपना दिमाग आप खोल करके सुनिए, इस साइंस से भी परे एक परमात्मा का साइंस, और वो साइंस ऐसा है अचूक। अभी कोई भी साइंस का साइंस की धारणा आप लीजिए, जिसको लोग मानते थे ये है वो कल कहते नहीं ये नहीं ठीक है, फिर दूसरे कहते ये नहीं ठीक वो है, वो बदल जाए, पर परमात्मा का साइंस बिल्कुल बदलता है। और परमात्मा की जो सरकार है वो जब कार्यान्वित होती है तो बिल्कुल अचूक, किंतु आपको परमात्मा के साम्राज्य में जाना चाहिए, क्योंकि आप अभी इसी दायरे में बैठे हैं, आपके आगे अनेक प्रश्न हैं। जब ये दायरा टूट करके उस बड़े दायरे में आप चले जाएंगे, इसको कि सांचे दरबार कहते हैं, तब आप आश्चर्यचकित होंगे कि आपकी कितनी गौरवशाली और कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण शक्तियां और आप स्वयं कितने ऊंचे, आपके अंदर क्या क्या शक्तियां हैं, इसका दर्शन जब आपको होगा तो आप समझ जाएंगे कि कोई आप सर्वसाधारण नहीं है, आप मानव हैं, और मानव के नाते आपको पूर्ण अधिकार है कि आप अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। हाँ, दुनिया में लोग जरूर कहेंगे कि तुम पापी हो, तुम फलाना हो ठिकाना हो, ये तो कहने वाले यही सब पापी। अरे आप मनुष्य हैं, कोई भगवान तो नहीं, मनुष्य ही गलती कर सकता है, कोई आप भगवान होते तो फिर कहना जरूरी था, कि तो आप तो मनुष्य हैं और मनुष्य की गलतियां करना उसका स्वभाव धर्म है। लेकिन ये जो परम चैतन्य की मैं बात कर रही हूँ, ये तो क्षमा का सागर है। आप ऐसी कौन सी गलती कर सकते हैं जो इसको पूरी तरह से नष्ट न कर, ऐसी कोई सी गलती आप कर ही नहीं सकते जो आपके अंदर गलतियां हैं वो पूरी तरह से नष्ट कर। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम कैसे पार हो सकते हैं, हमें कैसे आत्म साक्षात्कार मिल सकता है, हम तो ऐसे आदमी हैं, हम वैसे आदमी, ये सब सोचना छोड़िए। ये बहुत ही गलत धारणा है कि मनुष्य अपने को नीचा देखे और सोचे कि मैंने ये गलती की वो गलती की। जो भी गलती हो जाए उसको उसी वक्त देख लेना चाहिए कब तक। दूसरी चीज मनुष्य में जो है वो माफ नहीं कर सकता। आखिर आप माफ करें या न करें आप कुछ करते नहीं, आप क्या करते हैं? लेकिन जब आप माफ नहीं करते तब आप गलत हाथों में खेलते, क्योंकि जिसको आपने माफ नहीं किया उसी के बारे में सोच सोच के आप अपने ही को दुख देते हैं, तो उससे आपको सुख तो होता नहीं। इससे बेहतर है कि उसको आप माफ कर दें और परमात्मा पे छोड़ दें। लोग बोलते हैं बहुत कठिन है, अरे भाई कठिन क्या है, एक मिथ्या चीज को आप पकड़े उसको छोड़ी, और ये अपने आप सहज में आपको आश्चर्य होगा
कि अपने आप आपके अंदर की जो भी विनाशकारी चीजें हैं सब नष्ट हो। कर्म कहे आप ये छोड़ दो वो छोड़ दो तो आधे लोग उठ के चले जाएंगे, तो हम कहते कुछ मत छोड़, तुम्हारे अंदर प्रकाश जागृत होगा। अगर मेरे हाथ में एक सांप है और मैं जिद्दी हूँ, आप कहेंगे सांप है नहीं, मैं कहूंगी ये तो डोर है, अंधी हूँ या चाहे अंधेरा है मुझे दिखाई नहीं देता, और जिद करे उसको सांप को पकड़े रहूंगी जब तक वो सांप मुझे काट न ले मैं छोड़ूंगी। लेकिन जब थोड़ा सा भी प्रकाश आ जाए तो मैं अपने आप से ही उस सांप को छोड़ूंगी। इसी प्रकार आपके अंदर जो अनेक दोष है वो अपने आप छूटता है। अब यहाँ बहुत से परदेशी बैठे हुए हैं, जिनसे बहुत से लोग ड्रग्स लेते थे बहुत ज्यादा, और वो एक रात में उनका छूट, क्योंकि कोई चीज छोड़ने के लिए भी हम समर्थ नहीं, हमारे अंदर शक्ति नहीं, लेकिन अपने ही आप सारी ही परेशानियां भी छूट जाती, वो छोड़ के भाग जाती है। जैसे कहते हैं कि परेशानियों को परेशानियां, वही छोड़ के भाग जाती। ये कैसे घटित होता है? क्योंकि आप आत्मा स्वरूप सर्व समर्थ होता है और आपका संबंध उस चैतन्य से होता है जो सारे ही कार्य करता है। ये चैतन्य हर चीज जानता है, हर एक के बारे में सोचता है। देखिए ये गुलाब का फूल है तो वो गुलाब के ही पेड़ में लगता है, उसकी जो ऊंचाई है वो उसी ऊंचाई तक होता है, और आम का पेड़ एक ऊंचाई तक बढ़ता है, आपकी भी ऊंचाई एक हद तक ही होती है। ये सब कार्य कौन करता है? जो इतना बारीक बारीक कार्य करता है वो चैतन्य आपके अंदर से जब बहने लगता है और जब वो आपका मार्गदर्शन करता है तो आप ही अपने गुरु हो जाते हैं। ये गुरुओं का स्थान भी गुरुओं ने बनाया हमारे अंदर, पर अभी जागरूक नहीं। जब जागरूक हो जाए तो आप समझ जाएंगे कि इन्होंने कितने उपकार हमारे ऊपर किए। ये तो हुए सदगुरु, जिनको हम कहते हैं कि एक तरह से चैतन्यमय। नामदेव एक बार गोरा कुमार को मिलने गए थे। नामदेव एक दर्जी थे, ये कुमार साहब कोई यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, कोई कॉलेज नहीं गए थे, कुछ पढ़े नहीं थे लिखे नहीं, और ये मिट्टी तोड़ रहे थे कुमार साहब। तो इन्होंने जब ये गए वहां पर नामदेव, उनको देखते ही साथ हटात खड़े और कहा क्या मराठी में कहा निर्गुणाचा भेटी आलो सगुणाश, माने मैं तो निराकार को देखने गया था, वो तो साकार तेरे अंदर खड़ा। और ये बताइए इस तरह से कोई इंसान दूसरे को समझ ही नहीं सकता जब तक वो संत न। और फिर जब ये नामदेव पंजाब गए तो गुरु नानक साहब ने उनको समझ लिया ये कौन थी। वो दर्जी थे वैसे, उनकी नौकरानी जनाबाई उसको भी समझ, और फिर उनसे कहा कि अब तुम पंजाबी सीखो और पंजाबी में लिखो। तो इतनी बड़ी किताब लिखी है उन्होंने, और ग्रंथ साहब में भी उनके बहुत बहुत सारी कविताएं हैं पंजाबी भाषा। ये समझ और इस तरह के अंदर से आंतरिक इच्छा कि दुनिया के लोग जाने की सत्य क्या है, इन संतों की इतनी महान शक्ति उन्होंने लगा करके ये कार्य इस भारतवर्ष में किया। इसी प्रकार अनेक जगह हुआ, विलायत में भी मैं समझती हूँ, वहाँ विलियम ब्लेक नाम के बड़े भारी कवि हो गए, उन्होंने सब सामने रख दिया। हर जगह ऐसे ऐसे कवि हो गए हैं कि जो उस स्थिति में पहुंच गए जहां वो वास्तविकता रियलिटी को जान गए और उन्होंने साफ साफ लिख दिया यही एक चीज पाने की। पर मनुष्य जो है वो जड़वाद के तरफ लग गया, मटेरियलिज्म के तरफ, और उसी से हमारा धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। हम जब से बच्चों के लिए सोचते हैं तो परेशानी हो जाती, और अनेक चीजें जो दुनिया में देखते हैं उससे हमें परेशानी हो जाती है। उसका कारण ये कि हमने अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जाना, और जब ये आत्मा का स्वरूप आप जान जाए हर तरह की परेशानियां दूर।
आज हम आपसे बता सकते हैं कि इंग्लैंड में इतनी बेरोजगारी है, लेकिन एक भी सहयोगी वहाँ बेरोजगार और हर आदमी के लिए पूर्ण व्यवस्था होता, किंतु लोग नहीं रहता, मनुष्य में समाधान स्थापित होता। ऐसे तो आप देखिए कि दुनिया की जितनी भी इच्छाएं हैं, कोई सी इच्छा पूरी होती है उसके बाद आदमी दूसरी इच्छा करता, जितनी सी कोई भी इच्छा पूरी होने से उसके अंदर आत्मा में शांति नहीं आती। लेकिन एक इच्छा ऐसी है जो शुद्ध इच्छा है, निर्मल इच्छा है, और वो आप जाने या न जाने आपके अंदर स्थित है, आपके अंदर बसी हुई, वही कुंडली है। ये शुद्ध इच्छा की शक्ति है। कुंडलिनी के बारे में, अपने अंतर के बारे में, सारे कुछ चक्रों के बारे में, हर एक चीज आप अब जान सकते हैं। उसमें कोई भी चीज अब गुप्त नहीं है, कभी नहीं। कोई ऐसी बात आपको अगर कोई भी शंका हो तो आप फौरन हमसे पूछ सकते, ये सारी चीजें आपके सामने खोल के रख दी जाए, पर पहले आपकी जागृति हो जानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये कार्य आज सारे संसार में, जैसे इन्होंने कहा कि 60-62 देशों में सहयोग कर रहा है, ये सारा कार्य एक सामूहिक संस्था है, वो भी जीवंत, जैसे कि ये शरीर है इसी तरह से जीवंत संस्था है। सारे दुनिया में आपके भाई बहन बैठे हो, लेकिन ये सब जागरूक है और सब जीवंत है। अगर हमारा नाखून एक टूट जाए तो वो तो बढ़ नहीं सकता। इसी प्रकार अगर आप सामूहिकता में आ जाए और सामूहिकता में से प्राप्त करें तो आप समझ जाएंगे कि आप आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। यहाँ अभी बहुत देशों से लोग आए हैं और हिंदुस्तानी भी हैं। मैंने कभी इनको लड़ते झगड़ते कोई गंदी बात कहते कभी नहीं सुना। इतना प्यार, इनको भाषाएं भी नहीं आती। अब मैं बोल रही हूँ हिंदी भाषा में, तो मैंने कहा भाई मुझे माफ करो, मैं हिंदी बोल रही हूँ, तुम लोग तो सिर्फ अंग्रेजी या इनकी अनेक अनेक भाषा है। तो कहने माँ कुछ नहीं, हमारा ध्यान अच्छा लगता है। मैंने कहा क्यों, कहा हम निर्विचार हो जाते। तो पहले आपकी दशा निर्विचारिता आती, और निर्विचारिता में आप ये जो वर्तमान है इसमें ऊपर आते, या तो आप भविष्य में रहते हैं और या तो आप भूतकाल में रहते, उसी के विचार आते रहते हैं। लेकिन जिस वक्त कुंडली जागृत होती है तो ये विचार ऐसे हट करके बीच की जो जगह विलंब जिसे कहते हैं, जहाँ वर्तमान है, वहां स्थित हो जाते। पर निर्विचारिता में आप पूरी तरह से सचेत चेतित है, अवेयर, उस वक्त आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। इसलिए ध्यान करना होगा, आप ध्यान में जाए और ध्यान में आप निर्विचार हो जाते, उस वक्त शांति मिलेगी। सारे संसार में लोग शांति की खोज करते हैं, शांति चाहिए शांति चाहिए, और बहुत से लोगों को बड़े बड़े बड़ी बड़ी पदवियां मिली हैं शांति के लिए, लेकिन अक्सर जिनके शांति नहीं है वो कैसे शांति दे सकते। अपने अंदर जो शांति का स्थान है उसे आप प्राप्त करते हैं। इस तरह से अनेक चीजें हो जाती हैं और सत्य को आप जानते हैं, आपके चित्त में सत्य का प्रकाश आ जाता है और आपको आश्चर्य होता है, ये सत्य ही परमात्मा का प्रेम है। सत्य तो ये है कि परमात्मा हमसे बहुत प्रेम करता है, और उस प्रेम की जानकारी जब हो जाती तो आप आनंद भी बोल जाते। इसलिए आत्मा को सच्चिदानंद कहते। आशा है आप इस स्थिति को प्राप्त आज करेंगे और इस कुरुक्षेत्र में फिर से हम एक धर्म का राज स्थापन करें। बाह्य से धर्म करने से कोई भी धार्मिक नहीं होता, कोई हिंदू मुसलमान सिख कोई भी हो, ईसाई हो,
कोई सा भी पाप कर्म कर सकता है पर सहयोग नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर का धर्म जागृत, अंदर का धर्म जागृत होना चाहिए और वो कुंडलिनी के जागरण से हो जाता। आशा है आप लोग आज जागृति के बाद कृपया सामूहिकता में आए और अपनी पूरी पूरी जानकारी करके सहयोग के बारे में जान करके, ये तो पहले बुद्धि से ही जानिएगा, पर फिर उस स्थिति में उतरेंगे जहाँ हम निर्विकल्प स्थिति करें। पहले तो निर्विचार समाधि और फिर निर्विकल्प समाधि, इस स्थिति में आने पर आप हजारों लोगों को पार कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, मन का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि जब तक दीप जलता नहीं उसको ये आस लगी रहती कि मैं जल जा, जब ये जल्दी उठता है तो भी वो हिल जाता है हवा से कभी, फिर वो उसकी स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो पूरी तरह से उसकी दीप शिखा जलती है। अब जैसे ये एक इंस्ट्रूमेंट है, जब तक इसका कनेक्शन नींद से नहीं होगा तब तक इसका तो कोई अर्थ ही नहीं लगता, इसका कोई मतलब नहीं करता। इसी प्रकार मनुष्य की स्थिति है, जब इसका संबंध उस चारों तरफ फैली हुई परम चैतन्य से एकाकार हो जाती है, उसकी जब शक्तियां ही उसके साथ एक हो जाती है, उसका संबंध ही पूरी तरह से हो जाता है, तब फिर वो चीज उसके हाथ से बहने लगता है और वो अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। इसी को नानक साहब ने खालिस माने निर्मल कहा, खालिस खालिस्तान हमने बनाया जहाँ खालिस लोग, जो लोग खालिस नहीं वो क्या खालिस्तान बनाए। और इसी प्रकार अनेक तरह से इसका वर्णन लोगों ने किया। आज ये समय आ गया कि आप सब इस महानुभाव को प्राप्त करें। इतनी छोटी सी एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपने प्रति आदर, आप सब पार हो सकते हैं, या पूर्ण विश्वास, अपने ऊपर अविश्वास करने से मैं हाथ नहीं चला सकता। और दूसरी बात यह है कि कोई जबरदस्ती आप पर नहीं होगा, क्योंकि आपको एक बार स्वतंत्रता मिल गई है, आप चाहे तो नर्क की तरफ जाए चाहे स्वर्ग की तरफ, कोई आप पर जबरदस्ती कर ही नहीं सकता, जबरदस्ती से कोई कार्य हो नहीं सकता। जैसे एक बीज से आप जबरदस्ती कहें इसका हम अंकुर निकाले निकल नहीं सकते, इसी प्रकार आपकी स्वतंत्रता की बहुत इज्जत है, आप भी इज्जत करें। और ये जान लीजिए कि आप इस गौरवशाली व्यक्तित्व को, इस हस्ती को आप प्राप्त कर सकते, बहुत आसान, अपने अंदर ये विश्वास। जिनको आत्म साक्षात्कार नहीं कराना है, जागृति नहीं करानी है, वो लोग कृपया जा सकते, पर जिनको कराना है वो कृपया सब बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए तो आसान होता है। इसमें 10 मिनट की भी बात है, हिंदुस्तानी तो इतने जल्दी पार होते हैं, मुझे तो लगता है कि जैसे किनारे पर खड़े हैं और एकदम समुद्र के किनारे पर जैसे खड़े एकदम आनंद के सागर में डूब जाते। हिंदुस्तानियों में बहुत बड़ी ताकत, ये लोग जब बाहर से आते हैं तो एयरपोर्ट पे ही जमीन को चूमते हैं, कहते माँ चैतन्य तो एकदम दिखाई देता है, और हम लोग जानते नहीं कि हम कहाँ हैं। और जिस दिन ये घटना हो जाएगी तो हम सब धर्मों से ऊंचे ऐसे धर्म में आएंगे कि जहाँ से हमारे अंदर कोई मलिनता नहीं रहती, कोई गलत फहमियां नहीं रहता है, ये सब हम लोगों ने बनाई हुई गलत फहमियां, और एकदम हम सब एकाकारिता में, सामूहिकता में सारे दुनिया से संबंधित हो जाए। वेरी काइंड ऑफ यू टू हैव कम ऑल द वे हियर।
But I'm sorry I have to speak in the language that so many of them don't know, also Hindi language. But there's no language for love. No need to have any language for it. Only love has vibrations. That's what I hope you are all enjoying here. There are so many brothers and sisters sitting down here anxious to have a self-realization. By your good wishes, I'm sure it's all going to work out. My God, yes. अब आप लोग दोनों हाथ मेरी ओर ऐसे क्योंकि ये जो 5, 6 और 7 पॉइंट्स हैं ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंत में है तो ये 7 और ये 7 ये 7 लेफ्ट के और 7 राइट के मिला करके चक्र इस तरह से बनता तो जब आप हाथ मेरी ओर कर रहे हैं तो आपने अपने चक्रों को खोल लिया मेरे इस तरह से आप थोड़ा नीचे कर ऊपर उठा के सब लोग उठा हाथ ऊपर उठा के बहुत ऊंचे नहीं जो आप सहन कर सब लोग कर ऊपर कुरुक्षेत्र में बैठे हैं यहां सब बहुत आसान लगता है अब आप लोग आंख बंद कर सब लोग आंख बंद चश्मा उतार लिया अच्छा क्योंकि इसका दृष्टि पर भी फायदा होता है चश्मा उतार लें और सब लोग आंख बंद कर प्लीज क्लोज योर आईज आंख बंद करो आंख बंद कर सब लोग आंख बंद करें और चश्मा भी उतार लीजिए अभी जरूरत हो बारे में कोई शंका न करें आप कृपया खोलें और लेफ्ट हैंड हमारी करके और गर्दन झुका के देखें कि तालू के अंदर से आपके ठंडी या गर्म कोई हवा आ रही है तो तालू लेफ्ट हैंड हमारी और राइट हैंड गर्दन झुका लें Please bend your head and see for yourself if there's hot or a cool breeze coming out of your fontanel bone area. Right hand to this way. Gardan Dukat. Please bend your head. I think everybody has to forgive. सबको क्षमा कर दें क्षमा कर दें एक दूसरे से गर्म हवा रही क्षमा करें सबको अब प्लीज टुक योर राइट हैंड टुवर्ड्स मी राइट हैंड मेरी ओर करें गर्दन झुकाएं और लेफ्ट हैंड से देखें कि सर में से मतलब तालू में से ठंडी या गर्म हवा आ रही क्या सर को आधार से मतलब हाथ जो है सर पे नहीं रखे आधार ऊपर थोड़ा हिला के देखें
कभी कभी नजदीक आती है, कभी कभी दूर आती है। ठंडी हवा या चाहे गर्म हवा भी हो सकती है, उसको कोई हल नहीं, पर अगर आपने क्षमा नहीं करी है तो गर्म हवा आती रहेगी। क्षमा करने से आपका गुस्सा एकदम ठंडा हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड से देखो, प्लीज पुट योर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी एंड सी विद द राइट हैंड ऑन टॉप ऑफ योर हेड। जैसा कूल और हॉट बीट करें, देखिए कि अगर ठंडी या गर्म हवा आ रही हो, गर्दन झुका लें, प्लीज बेंड योर हेड। अब दोनों हाथ आकाश की ओर करें और सर को पीछे की ओर मोड़, मतलब ये कि आकाश की ओर देखो। प्लीज बेंड योर, प्लीज पुट योर हैंड्स अप एंड बेंड योर हेड बैकवर्ड, प्लीज लुक एट द स्काई। अब एक प्रश्न अपने मन में पूछिए तीन बार, माँ क्या ये परम चैतन्य की हवा है, क्या यही परम चैतन्य की शक्ति है। सीधा एक क्वेश्चन, मदर इज दिस प्योर, इज दिस द ऑल परवेडिंग पावर ऑफ डिवाइन लव, आज इस क्वेश्चन सीधा। तीन बार पूछ, अब हाथ नीचे करो। देखिए कहीं भी कोई हवा नहीं है साथ, इससे आप देख सकते हैं कि हवा सिर्फ यहाँ इधर से आ रही है और कहीं हवा नहीं। ठंडा आप देखिए, शंका नहीं करना। भिन्न के हाथ में और उंगलियों में या ब्रह्मरंध्र से तालू से ठंडी हवा आई हो वो दोनों हाथ ऊपर करे, और दोज हु आर फेल्ट द कूल ब्रीज आउट ऑफ देयर, दोनों हाथ ऊपर कर, ऊपर कर। या कोई गलत गुरुओं के पास गए हुए लोग हो सकते हैं कि जिनको पार नहीं हो, पर अधिकतर लोग पार हो। हमारा आनंद है।
Mm-hmm.